नॉक नॉक नॉक। हेलो, आर यू रेडी? कहानियां है बहुत सारी और बहुत सारा है फन। ये है टाइम मस्ती का, तो रन 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 रन, आओ खेले गेम्स। जमकर होगी मस्ती और कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये है मस्ती की पाठशाला। हेलो, हाय, आप सबका पीएमसी हिंदी के शो मस्ती की पाठशाला में वेलकम वेलकम वेलकम। मैं आपकी दोस्त और होस्ट लेकर आई हूँ एक नई कहानी एक नई सीख के साथ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ये सब वर्ड्स आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे या किसी को कहे होंगे। तो थोड़ा सोचते हैं कि ये वर्ड्स हम कब कहते हैं या कब सुनते हैं। तो सोचते हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये कब हम बोलते हैं। ये हम तब बोलते हैं जब कोई चीज हमें देता है। जैसे कि अगर किसी ने मुझे 2 चॉकलेट्स दी तो मैं उसे थैंक यू कहूंगी, या फिर मेरे बर्थडे गिफ्ट पर किसी ने मुझे गिफ्ट दिया तो भी मैं उसे थैंक यू करती हूँ। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास 2 चॉकलेट्स ऑलरेडी होती हैं, पर फिर भी हम और चाहते हैं और मांगते हैं कि हमें और चाहिए। तो इस और को हम बढ़ाते रहते हैं कि और दे दो, और लेना है, ये नहीं है, ये और चाहिए। तो इस और में हम भूल जाते हैं जो ऑलरेडी चीज़ें हमारे पास हैं, और हम उन चीज़ों को भूलकर और चीज़ों पे अपना ध्यान देते हैं कि मुझे और चाहिए। तो इस और को और गहरे से समझेंगे अपने कहानी टाइम में। तो चलते हैं अपनी कहानी टाइम में। तो एक बार एक क्लास में सारे बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं अपने टीचर के आने का, और सब अपनी मस्ती में होते हैं। कोई अपनी बेंच पे बैठा होता है, कोई खड़ा होता है, कोई बातें कर रहा होता है और इंतज़ार करते हैं मैडम के आने का, टीचर के आने का। और थोड़ी देर में टीचर एंटर करती है अपने क्लासरूम में और सारे स्टूडेंट्स एकदम से चुप हो जाते हैं। और टीचर जैसे ही क्लास में आती हैं वो सब बच्चों को बोलती हैं कि आज आपका सरप्राइज टेस्ट है। सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं कि अरे, एकदम से कैसे टेस्ट आ गया? मैम बोल रही है टेस्ट लेने के लिए, हमने तो कोई तैयारी नहीं की है। और हम सबके साथ भी क्लास में ऐसा होता होगा कि मैम आती है और एकदम से वो हमारा टेस्ट ले लेती हैं। तो ऐसे ही ये सारे बच्चे, कुछ बच्चे परेशान थे कि क्या होगा टेस्ट में, क्या करेंगे। तो टीचर ने सबको शांत होने के लिए कहा और सब बच्चे, कुछ बच्चे एक्साइटेड भी थे टेस्ट के लिए कि ठीक है टेस्ट शुरू होने वाला है, और सब अपनी सीट्स पर, अपने बेंच पर बैठ जाते हैं। और टीचर धीरे धीरे करके सबको क्वेश्चन पेपर देना शुरू करती हैं। और सबको जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सब बच्चे फटाफट से क्वेश्चन पेपर उठाते हैं और उसको देखते हैं। और जैसे ही देखते हैं उस क्वेश्चन पेपर पे तो कोई भी प्रश्न नहीं होता, और बच्चे ये देखकर हैरान हो जाते हैं और उस शीट पे सिर्फ एक काला बिंदु होता है, एक डॉट होता है। और टीचर एक्सप्लेन करती हैं अपने बच्चों को कि जो भी आपको इस शीट पे दिखाई दे रहा है आपको उसके बारे में लिखना है। तो सब बच्चे शुरू करते हैं अपनी आंसर शीट पे लिखना। तो सब बच्चे अपने आंसर्स लिखना शुरू करते हैं और फिर एंड में टाइम अप हो जाता है टेस्ट का, और टीचर सबसे अपनी शीट्स लेना शुरू करती हैं।
और सबकी बच्चों की शीट्स लेकर टीचर शुरू करती है। उन बच्चों ने जो भी शीट में लिखा था उन सब बच्चों के सामने वो पढ़ना शुरू करती हैं। तो किसी बच्चे ने लिखा था कि इस शीट पर मुझे एक ब्लैक डॉट, एक काला बिंदु दिखाई दे रहा है। किसी ने लिखा था कि इसकी जो शेप है वो सर्कल शेप है। किसी ने लिखा कि ये जो बिंदु है ये शीट के बिल्कुल बीच में है उसकी पोजीशन। तो ऐसे करके सब ने उस काले बिंदु के बारे में लिखा। तो टीचर ने कहा कि देखो, आप सब ने एक चीज़ लिखी है और वो सब कॉमन है। वो क्या है कि आप सब ने इस ब्लैक डॉट के बारे में लिखा है, पर किसी ने भी उस वाइट शीट के बारे में नहीं लिखा। तो फ्रेंड्स, यही हम अपने जीवन में करते हैं। हम अपना ध्यान कहाँ देते हैं? उस चीज पर जो हमारे पास या तो नहीं है या फिर हमें और चाहिए। तो हम उस वाइट शीट पे ध्यान ही नहीं देते हैं, उन चीज़ों पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास हैं। हम उन्हें भूल ही जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि वो कितनी वैल्यूएबल हैं, कितने मूल्यवान हैं, और हम अपना ध्यान इस ब्लैक डॉट पे ही लगाए रखते हैं। जैसे कि हमें लगता है हमारे पास ऑलरेडी टॉयज़, कितने सारे टॉयज़ होते हैं हमारे पास, पर फिर भी हमें क्या होता है, हमें और टॉयज चाहिए। होता होगा हम सबके साथ, पर हम क्या उन टॉयज जो ऑलरेडी हमारे पास है, क्या हम उनको कभी थैंक यू करते हैं? क्या हम उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी ये टॉयज हैं? या फिर जैसे कि खाने की चीज़ें, हम और मांगते रहते हैं, और चॉकलेट चाहिए, और पिज्ज़ा चाहिए, या और हमें कुछ और खाने के लिए चाहिए। तो हम उस और में उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है। जैसे कि ये बॉडी, कितनी अच्छी है ये बॉडी, कितना काम करती है ये बॉडी। अगर ये बॉडी नहीं होगी तो क्या हम कुछ काम कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और हमारे हाथ, हमारे हैंड्स लिखते हैं। क्या कभी हमने अपने हैंड्स को थैंक यू किया है? क्या हम कभी इनके लिए ग्रेटफुल होते हैं? नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स, जैसे कि मेरी लेग्स, लेग्स से क्या होता है कि मैं भाग सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, चल सकती हूँ। तो हमें हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, ना सिर्फ चीज़ों के लिए, लोगों के लिए भी, क्योंकि लोग भी आपकी कितनी सहायता करते हैं, कितनी मदद करते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, कितना प्रोत्साहन देते हैं, कितना मोटिवेट करते हैं। तो हमें उन लोगों के लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए, जैसे कि हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हर कोई हमें कितनी हेल्प करता है। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट पता है आपको कौन करता है आपकी? वो है मदर अर्थ, जो आपको इतना सपोर्ट करती है, आपको कितना कुछ देती है, आपके लिए पेड़ पौधे, फल फूल, और पेड़ों से हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। तो कितना इम्पॉर्टेंट है ये ऑक्सीजन। हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, पर ये भी इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम ब्रीद नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, हमें हर चीज़ अपने आसपास के लोगों को और चीज़ों को थैंक यू करना है, उन चीज़ों को जो ऑलरेडी आपके पास है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको आपको आज थैंक यू करना है, ग्रैटिट्यूड देना है, वो है आपकी ब्रेथ। हम कभी भी अपनी ब्रेथ पे ध्यान नहीं देते, ना ही कभी उसे धन्यवाद करते हैं, थैंक यू करते हैं।
हम उसे सिर्फ ग्रांटेड ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, ब्रेथ है, चल रही है, कोई बात नहीं। पर कितनी इम्पॉर्टेंट है ये ब्रेथ, कभी आपने सोचा है कि अगर ये ब्रेथ नहीं होगी तो मैं कुछ भी कर पाऊँगा, कोई काम कर पाऊँगा, कहीं जा पाऊँगा, कुछ खा पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। तो उसके लिए ब्रेथ होना ज़रूरी है। तो आज हम इस ब्रेथ को ग्रैटिट्यूड देंगे अपना टाइम में। तो तैयार हो जाइए अपना टाइम में। तो चलते हैं अपना टाइम में, और उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और वापस मिलेंगे मस्ती की पाठशाला में।